नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिल गुरु चैनल पे। आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं कैलेंडर। तो बस देखते रहिएगा धैर्य से और सीख जाएंगे। तो बेसिक से चालू करेंगे यहाँ पर हम लोग। तो सबसे पहले ये बात जान लीजिए कि जो भी डेज होते हैं, जैसे कि मंडे हुआ, ये हिंदी इंग्लिश में दोनों में पढ़ा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान सी चीज़ है। जैसे कि मंडे हुआ, तो ये मंडे दोबारा कब रिपीट हुआ, ये रिपीट होगा वो 7 दिन बाद होगा। जैसे 1 तारीख को मंडे हुआ, तो अब दोबारा मंडे कब रिपीट होगा, वो 7 दिन बाद रिपीट होगा, यानी कि कब होगा, वो 8 तारीख को रिपीट होगा। तो ये हर चीज़ जो रिपीटिशन होती है वो 7 डेज पर होती है, ये ध्यान रखने वाली बात होती है। दूसरी चीज़, लीप ईयर और नॉन लीप ईयर का कॉन्सेप्ट पूरे इस कैलेंडर में चलता रहता है, इसी में क्वेश्चन फंसते हैं। ठीक, तो देख लेते हैं। लीप ईयर में जो नॉन लीप ईयर होता है उसमें 365 दिन होते हैं, सबको पता है ये बात। 365 दिन में यानी कि 52 वीक्स, और ये याद रखिएगा केवल एक ऑड डे होता है। ये क्या होता है अभी समझ में आ जाएगा। अगर लीप ईयर है, लीप ईयर यानी कि कोई भी ईयर डिवाइड बाई 4 करते हैं हम लोग, अगर वो पूरा पूरा डिविजिबल हो जाता है तो उसे हम लीप ईयर बोल देते हैं, लेकिन इसका भी एक्सेप्शन है, इसका भी अपवाद है, अभी बता दे रहे हैं। तो इसमें क्या हो जाता है वो कि जो 1/4 दिन हम लोग बोलते रहते हैं उसको हम 1/4 करके 4 सालों में ऐड करके 1 दिन बढ़ा देते हैं। तो हम कह देते हैं 29 की फरवरी होगी, है ना, 29 की फरवरी होगी, तो हम कहेंगे 366 दिन होंगे। ठीक, तो 52 का सप्ताह तो होगा ही, लेकिन 1 दिन बढ़ गया तो हम क्या कहेंगे, 2 ऑड डे होगा। ठीक, तो ये याद रखिएगा, ध्यान से देखते रहिएगा, हो जाएगा। फिर मैं कह रहा था कि कुछ लीप ईयर के कॉन्सेप्ट में कुछ चीज़ें नहीं होती हैं। क्या नहीं होती हैं, जैसे कि सारे ईयर जो एग्जैक्ट सेंचुरी वाले ईयर हैं वो लीप ईयर नहीं होते हैं, बस यही सेंचुरी ईयर लीप ईयर होते हैं। देख लीजिए, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ये 400 से डिवाइड करने पर पूरा करते हैं। देखिए, ये 400 से डिवाइड करने पर पूरा पूरा कट जाएंगे। इसका मतलब ये कि 100 जो है 4 से तो डिवाइड हो जा रहा है। ठीक, तो हमें लग रहा होगा कि 100 वाला जो हमारी सेंचुरी थी वो क्या थी, वो लीप ईयर थी, लेकिन एक्चुअली में वो लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर कौन सा होगा, 400, 800, 1200, 1600 और 2000। ठीक, तो यही है जो अभी तक है, और इसके बाद 400 400 ऐड करते चले जाइए। यहाँ से चालू करिए और इसमें 400 जैसे ऐड करेंगे तो आप आराम से जान जाएंगे कि कौन सा लीप ईयर है और कौन सा लीप ईयर नहीं है। ये एग्जैक्ट सेंचुरी ईयर की बात हो रही है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये मैंने पहले बता दिए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कैसे आप कैलेंडर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस बेसिक को दिमाग में बैठा लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए, फिर आगे पढ़िए। मैं यहाँ क्वेश्चन लिखूंगा और आप लोग उसे सॉल्व करने का क्या करिएगा, प्रयास करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1, 10 मार्च को मान लीजिए ट्यूसडे, कोई भी साल हो, कोई मतलब नहीं, मुझे बेसिक मैंने चालू किया है। 10 मार्च को ट्यूसडे कोई भी ईयर है, और मैं पूछ रहा हूँ कि उसी में 20 जून को क्या होगा। 10 मार्च को ट्यूसडे था, उसी में 20 जून की तारीख को क्या पड़ेगा, सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक, तो देखिए मार्च तो बीत चुका, ठीक, तो अब मार्च में कितने दिन बीत चुके, तो मार्च कितने का महीना होता है, 31 का, 31 में से 10 बीत चुके, यानी कि कुल मिला के इसमें 21 दिन अभी बचे हुए थे। मार्च, फिर अप्रैल, अप्रैल कितने महीने का, कितने दिन का, 30, फिर मई कितने दिन का, 31, और फिर जून, जून कितने दिन का, यहाँ क्वेश्चन में कितना है, 20 जून, यानी कि यहाँ क्या रखना है, लास्ट में जून। मार्च, अप्रैल, मई और उसी साल का हमने जून देखा है, जून में ये 20, और यहाँ देखिए मार्च में 31 मार्च था, और जिसमें ये 10 दिन क्या हुआ था, बीत चुका था, तो 10 दिन हमने घटा के क्या कर दिया, 21। तो हमने ये बताया था कि 7 दिन पर ये सब चीज़ें क्या करती हैं, रिपीट करती हैं। तो आप क्या करिए, इन सबको 7 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक,
और जो भी रिमाइंडर आए उसे क्या करिए, ऐड कर लीजिए। तो 7 तारीख 21 कोई रिमाइंडर नहीं आया, 0 रिमाइंडर, 7 चौक 28 2 रिमाइंडर। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना, यहाँ करके दिखा दे रहे हैं, कुछ बच्चों को यही नहीं समझ में आता कि ये कैसे हुआ। तो 7 चौक 28 और नीचे ये 2 बचा, इसको रिमाइंडर बोलेंगे, ठीक है। ये चीज़ ये मैं रिमाइंडर बोलूँगा बार बार, ठीक है। तो अब 7 चौक 28 यहाँ 3 रिमाइंडर हो गया, 7 दूनी 14 और ये 6 रिमाइंडर हो गया, 14 6 20 है ना। फिर जो भी रिमाइंडर बचा है उनको हम आपस में जोड़ लेंगे, तो 3 2 5 और 6 5 11 और से अगेन अगर वो 7 से बड़ी संख्या है तो 7 से डिवाइड कर देंगे, सब 7 का खेल, इसलिए 7 को मैंने सबसे पहले बताया था। तो 7 51 7 और 7 4 11, तो 4 और डे हमें चलने होंगे। एक तरीका एक और था कि ये जो 21 आया था, ये 30 आया था, ये 31 आया था, ये 20 आया था, इन सब को आपस में जोड़ लीजिए, कुल मिला के जो सम बनेगा वो 102 बनेगा, उसको डिवाइड बाई 7 कर दीजिए, तो भी आपका जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, 4 आएगा। डिवाइड करके देख लीजिएगा, उसका शॉर्टकट तरीका ये है, ये शॉर्टकट है, ठीक, कि सबको हम 7 से डिवाइड करके वहीं उनको छोटे छोटा बना लिए, ये बड़ा बन जाता, जोड़ने में बड़ा होता फिर डिवीजन करते, तो बेटर था कि हम वहीं पर ही 7 से डिवाइड करके उनको छोटा करके छोटा बना लिए और फिर उनको ऐड करके निकाल लिए, इतना ऑड डे बढ़ेगा। तो यहाँ ऑड डे का मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, ये देखिए उतने ऑड डे है ना, ऑड डे, तो देखिए ऑड डे क्या होता है, ये 4 ऑड डे यानी कि ट्यूसडे के बाद 4 बढ़ा दीजिए, 4 बढ़ाइए तो पहला वेडनेसडे, फिर थर्सडे, पहला वेडनेसडे, दूसरा थर्सडे, तीसरा फ्राइडे और चौथा सैटरडे, 4th ऑड डे यानी कि 4 ऑड डे यहाँ पर बढ़ा है, ये आपका दिन पड़ेगा, यानी कि 20 जून को उसी ईयर में यहाँ पर क्या पड़ेगा, सैटरडे पड़ेगा। ये एक बेसिक क्वेश्चन हुआ, देखिए जो समझाने में टाइम लग रहा है लगाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, चाहे आप पेन कॉपी से दोबारा लगा के देखिए, आप मुश्किल से 30 सेकंड के अंदर या 20 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को लगा लेंगे। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, हमें क्या करना है, मैं फिर से यहाँ बोल रहा हूँ, जहाँ से चालू किए उस ईयर उस मंथ को यहाँ पर लिख लिया मार्च, फिर जहाँ तक जाना है वहाँ तक लिख लिए जून, अभी देखो बेसिक है, यहाँ पर कोई ईयर चेंजिंग नहीं है, तो हमने मार्च से लेकर जून तक लिख लिया। उसके बाद देखिए मार्च में कितना दिन बीत चुका है, 10 दिन, हमने मार्च का देखा 21 का महीना होता है, उसमें 10 घटा दिया 21, फिर अप्रैल का पूरा पूरा महीना चला होगा, मई का पूरा पूरा महीना चला होगा, और जून में कितना दिन चला है, यहाँ 20 जून की तारीख पूछी गई, यानी कि 20 जून तक चला है। अब आप देख लीजिए कि घटा के इस पर हम लोगों ने लिख लिया, फिर उसको हमने 7 7 दिन पर वही दिन रिपीट हुआ होगा, इसलिए हमने 7 से क्या किया, डिवाइड किया, तो 7 से डिवाइड किया और रिमाइंडर को नोट कर लिया, है ना, इतना ही दिन आगे बढ़ गया होगा, वो आगे कुछ डेट घिसक गया होगा, तो उसको हमने नोट कर लिया और उनको फिर हमने ऐड कर लिया, यानी कि इतना दिन आगे घिसका है, लेकिन 7 दिन बाद फिर वही दिन रिपीट हो जाएगा, तो हमने 7 से फिर से डिवाइड कर लिया, फिर इतना दिन आगे वो घिसक गया है, 4 और डे आगे घिसक गया है, तो हमने देखा ट्यूसडे हमारा यहाँ दिन था, ये देखिए ट्यूसडे हमारा वो दिन था, और हमने 4 दिन आगे बढ़ा के देख लिया कि वो सैटरडे पड़ेगा। तो ये पहला बेसिक क्वेश्चन हुआ, अगला देखते हैं। चलिए क्वेश्चन आप लोग लगा के दिखाइए कि 15 जून को सैटरडे था तो 24 नवंबर को क्या होगा, 15 जून को सैटरडे था तो 24 नवंबर को क्या होगा, तो ठीक है आप खटाखट यहां पर लिख दीजिए जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, ठीक, और जून में 15 चल चुका है, जून का महीना 30 का, 30 माइनस 15, जुलाई 31 की, अगस्त 31 का, सितंबर 30 की, अक्टूबर 31 का, नवंबर
24, ये देखिए नवंबर 24, ठीक है। अब इसको घटा दीजिए तो इसमें 15 बचा, ये ही घटाना है केवल, इसमें 15 बचा, 15 डिवाइड बाई 7, सब पे डिवाइड बाई 7 करना है, डिवाइड बाई 7, डिवाइड बाई 7, डिवाइड बाई 7, डिवाइड बाई 7, ठीक है। तो 7 × 2 = 14, एक रिमाइंडर, 7 × 2 = 14, एक रिमाइंडर, 7 × 4 = 28, 3 रिमाइंडर। तो जब इसका 3 रिमाइंडर आएगा तो इसका भी 3 रिमाइंडर आएगा, इसका 7 × 4 = 28, 2 रिमाइंडर, इसका 3 रिमाइंडर निकाल चुके हैं, 7 × 3 = 21, 3 रिमाइंडर। अब देखिए फिर इनको जोड़ेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, बेटर है कि 7 का पेयर बना लीजिए, तो 3 × 3 = 6 = 7, और इसको काट दीजिए तो कितना बचा, अब जोड़ दीजिए, 3 × 3 = 6 = 2 = 8, 8 / 7 रिमाइंडर आएगा 1, है ना, यानी कि एक और डे आगे डेट क्या होगी, बढ़ जाएगी, तो एक और डे आगे बढ़ा दीजिए, सैटरडे के बाद क्या आ जाएगा, यहां पर संडे आ जाएगा। बेसिक से चालू किया हम लोगों ने, आगे बढ़, ठीक। एक क्वेश्चन आप लोग बता के लगा के नीचे आंसर दीजिए कि 18 अप्रैल को अगर वेडनेसडे है तो 18 दिसंबर को क्या होगा, ठीक, नीचे कमेंट में करके बताइएगा। आगे बढ़ाते हैं, लिखा हुआ 1 जनवरी 2015 को मंडे है, ठीक, और फिर पूछ रहा है 1 जनवरी 2016 को क्या होगा, क्वेश्चन क्लियर हो गया, 1 जनवरी 2015 को मंडे है तो 1 जनवरी 2016 को क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या था कि अब ईयर चेंज हो गया, अब यहाँ ईयर जो है सेम नहीं है, बाकी सब ऊपर क्वेश्चन में ईयर सेम था, वो मैटर लगा के हम लोग आराम से निकाल लेते थे, उस मैटर को भी दिमाग में रखेंगे, ठीक है। अब ईयर चेंज हो गया है तो अब मैंने कहा था कि जब लीप ईयर नॉट अ लीप ईयर, तो एक ऑड डे और लीप ईयर के लिए 2 ऑड डे, यही कहा था ना। अब इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे, देखिए जनवरी 2015 बीती, ठीक है, फिर उसके बाद एक साल केवल किसका है 2016, और 2015 अगर देखा जाए तो उसकी फरवरी इसमें आई होगी, लेकिन फरवरी वाला जो मंथ आया है 2015, क्योंकि क्या है लीप ईयर नहीं है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा कि ये लीप ईयर क्या है नहीं है, तो 2015 लीप ईयर नहीं थी, 2016 क्या है एक लीप ईयर है, काट के देखिए डिवाइड करिए, क्योंकि ये यहाँ क्या दिया हुआ है जनवरी तक दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ तक जनवरी तक दिया हुआ है तो ये क्या गया, ये फरवरी तक नहीं गया हुआ है, ठीक है, तो हमें इसके लीप ईयर होने या ना होने से कोई मतलब नहीं है, इन सब बातों को बड़ा ध्यान देना है, यहाँ जनवरी तक ही केवल लिखा हुआ था तो क्योंकि ये फरवरी तक नहीं गया ये मंथ, तो इसके लीप ईयर होने या ना होने का कोई मतलब हमारा नहीं है, प्लस इसमें जनवरी था ये फरवरी इसमें आया होगा, क्योंकि आप यहाँ से यहाँ तक जब आगे बढ़ेंगे तो कहेंगे जनवरी, फिर 2015 की फरवरी, ठीक है, फिर मार्च, यानी कि फरवरी 2015 आप काउंट करेंगे, लेकिन फरवरी 2015 कितनी की होगी, 28 की होगी, 29 की नहीं होगी, और जब 2016 में पहुँचेंगे तो फरवरी 2016 तक नहीं पहुँच पाएंगे, कहाँ तक पहुँचेंगे, जनवरी 2016 तक पहुँचेंगे, ठीक है, तो इसके लीप ईयर होते हुए भी इस क्वेश्चन में इसका मतलब नहीं है, ठीक है, देखते रहिए भी समझ में आ जाएगा। यानी कि ये लीप ईयर नहीं है, तो यहाँ पर जब लीप ईयर नहीं होता तो हम कहते हैं कि वन ऑड डे आगे हमें बढ़ाना होता है, वन ऑड डे आगे बढ़ाना होता है, तो मंडे के बाद एक ऑड डे आगे बढ़ाइए तो क्या पड़ जाएगा आपका, ट्यूजडे पड़ जाएगा, यानी कि 1 जनवरी 2016 को क्या पड़ेगा ट्यूजडे पड़ेगा आपका, बस इतनी सिंपल सी बात थी, एक ऑड डे, ये नॉट अ लीप ईयर होने के कारण केवल एक ऑड डे आपको बढ़ाना है, क्योंकि एक ही साल आगे बढ़ा है तो केवल एक ऑड डे बढ़ेगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं और क्लियर करते हैं इस बात को।
क्वेश्चन है 10 मार्च 2015 को मंडे है, तो 10 मई 2016 को क्या होगा। अब देखिए यहाँ तो फरवरी बीती भी नहीं है, आई भी नहीं है 15 में, और 15 लीप ईयर था भी नहीं, तो इससे मुझे कोई मतलब नहीं। 15 से 16 केवल एक साल आगे बढ़ा है, ठीक, और जो साल आगे बढ़ा है उसमें एक फरवरी आ रही है, और जो फरवरी आ रही है 16 वाली, उसको डिवाइड बाई 4 करने पर पता चल रहा है ये क्या है, एक ये लीप ईयर है। लीप ईयर होने के कारण यहाँ पर कितना आगे बढ़ाना पड़ेगा, 2 ऑड डेज जोड़ना पड़ेगा, यानी कि मंडे के बाद ट्यूसडे और फिर वेडनेसडे, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेडनेसडे, ठीक है। देखते रहिए क्वेश्चन, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 18 जून 2004 को संडे था, फिर ये पूछ रहा है कि 18 जून 2007 को क्या पड़ेगा। अब देखिए ईयर का डिफरेंस क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। अब क्वेश्चन धीरे धीरे आगे टफ होता जा रहा है, ठीक। तो हम लोग देखेंगे कि 2004 के बाद, अब यहाँ इसकी फरवरी नहीं पड़ी है, क्योंकि जून, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई बीत चुका है, यानी कि फरवरी क्या है, बीत चुकी है, जून आया है, यानी 2004 का इफेक्ट नहीं है, ठीक। तो हम यहाँ से देखेंगे कि 2005 हमारा बीता होगा, 2006 बीता होगा, 2007 हमारा आएगा, यही आएगा ना। तो इसमें देख लीजिए कि कितने लीप ईयर हैं, कितने लीप ईयर हैं, 2005 भी हमारा लीप ईयर नहीं है, 2006 हमारा लीप ईयर नहीं है, 2007 भी हमारा लीप ईयर नहीं है। इस वजह से क्या हो जा रहा है कि आप इसमें एक ऑड डे, एक ऑड डे, एक ऑड डे बराबर 3 ऑड डे बन जा रहा है, और 3 ऑड डे यानी कि संडे के बाद क्या बनेगा, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेडनेसडे हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, चलिए आगे देखते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा आपको समझ में आता जाएगा। देखिए यही क्वेश्चन हम लोग अगला लगाते हैं, ठीक है। एक था 18 जून 2004, सेम क्वेश्चन ले रहे हैं, संडे, ठीक। तो हम पूछ रहे हैं कि 18 जून 2008 को क्या पड़ेगा। तो ये तो हमें पता ही था कि 2005, 2006, 2007, इस बार 2008 भी चल रहा है, ये लीप ईयर नहीं है, ये लीप ईयर नहीं है, ये लीप ईयर नहीं है, लेकिन ये लीप ईयर है, और ये जून लिखा हुआ है, यानी कि इसके अंदर वाली फरवरी आएगी, ये भी ध्यान देने वाली बात होती है। एक ऑड डे, एक ऑड डे, एक ऑड डे, इसका ऑड डे कितना हो गया, 2 हो गया, तो कुल मिला के कितने ऑड डे बढ़ गए, देखिए जोड़ दीजिए सबको, 3, 2, 5 ऑड डेज बढ़ गए। यहां जो भी दिन लिखा हो उसमें 5 दिन बाद वो चीज पढ़ेगी, यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि वो फ्राइडे पड़ेगा। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए है, बताइएगा 1 जनवरी 1993 को मंडे है, ठीक। तो 1 जनवरी 1998 को और 1 जनवरी 1999 को क्या पड़ेगा, नीचे बताइएगा
कौन कौन सी डेट पड़ेंगे, ठीक है, पूरा सही से लिख के बताइएगा। चलिए आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, अगला हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाएंगे। ये इसको रेफरेंस बोलते थे, रेफरेंस कैलेंडर बोलते हैं ये जो अभी मैंने पढ़ाया। अब आगे जो बताएंगे वो नॉन रेफरेंस कैलेंडर होगा, ठीक है, तो थोड़ा टफ लेवल के आगे और पढ़ेंगे, तो दूसरे वीडियो में ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हाँ, कोई भी PDF डाउनलोड करना हो तो आप www.abilguru.com पे जाके विजिट करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।